दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं मेरठ में हूँ और ये मेरठ नागपुर हाईवे है, 224 हाईवे करता है। आप देख सकते हैं गर्डर्स रख दिए गए हैं, काफ़ी हैवी गर्डर्स हैं, क्योंकि ये हाईवे है, उसको क्रॉस करना है। ये भी नेशनल हाईवे है, इसको क्रॉस करके यहाँ ट्रेन करने का देख रहे हैं कि ये लैंड स्लिंग वर्क चल रहा है। बड़ा हुआ है ये गंगा मेरठ से प्रयागराज तक बनना है और इसके बन जाने के बाद बड़ी सुविधा बस्तर विभागों के प्रदेश स्तर के दफ्तर प्रयागराज में हैं। अभी प्रयागराज जाने के लिए रेलवे नेटवर्क ज़्यादा, यहाँ से प्रयागराज के लिए पंजाब एक्सप्रेस चलती है, बहुत फैसिलिटी नहीं है रेलवे नेटवर्क की, तो इसलिए लोगों को बाय रोड जाना होता है और बाय रोड ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इस एक्सप्रेस वे दक्षिण पूर्व है उस तरह का, जिसके बन जाने के बाद मेरठ और प्रयागराज की जो समय है जो सफ़र का वो कम होगा और 12 जिलों को कवर करेगा। ये यहाँ से प्रयागराज तक 12 जिले इस एक्सप्रेस वे के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्विजिशन होगा और जिन जिन इलाकों में आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़रूरी है, वहाँ वहाँ लैंड एक्विजिशन करके इंडस्ट्रीज को लैंड एलोकेट की जाएगी। इससे उन इलाकों में डेवलपमेंट स्पीडअप होगा। हालांकि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, फिलहाल तो एक्सप्रेसवे बनेगा, उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ ये संभावनाएं देखेंगी कि उनके लिए किस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए कहां पर क्या स्कोप है, फिर उनको लैंड अवेलेबल कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तो है ही कि जहां भी सड़कें बनती हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे बनते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए बेहतर होती है। उस तौर पर आम आदमी की जेब पर एक बोझ तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये
सब टोल वेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनका सफ़र नहीं कर सकते, आपको पे करना होगा सफ़र करने के लिए। दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास ये परचेजिंग पावर नहीं है, जिनके पास पे करने लायक स्थिति नहीं है जिनकी, तो वो इस पर व्हीकल लेके नहीं चल सकते हैं। टू व्हीलर्स बैंड होते हैं इस पर, जो किसानों के वाहन हैं ट्रैक्टर वगैरह वो भी इस पर नहीं चल सकते। स्पीड जो है एवरेज 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ही रहती है, और रोड सेफ्टी के लिहाज से वो ठीक भी है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हैं उनकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एक ही रोड पर जब स्लो स्पीड वाले, तेज़ रफ्तार वाले वाहन सब एक साथ चलते हैं, उसी पर टांगा चल रहा है, उसी पर ट्रैक्टर चल रहा है, उसी पर ट्रक चल रहे हैं, बाइक चल रही हैं, कारें चल रही हैं, तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, इस पे चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग जगहों पर फेस्टिवल आप कर सकेंगे, टोल पे करना होगा। ये देखिए छोटा रोलर है,